श्री दानिश अली जी या धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश के की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई, लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो IIT वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है थी कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लक्की प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है? और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के IIT के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब IIT का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात
लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे, 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था, हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पोखरण के टेस्ट की बात हुई, 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया नहीं साहब हम करेंगे। श्री विनोद सिंह धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस नए संसद भवन में जो आने वाले युगों युग तक देश का राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, और प्रथम विशेष